सच्ची में किसी लड़की स्माइल हैप्पी है, ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार मीनू तू है पांच वो भी हंसने लगी थी ये भी हंस हम तो दिल दे ही चुके बस तेरी। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, तो कैसे आप लोग, होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। आज मैं हूँ अभी बोकारो में और अभी मुझे जाना है हजारीबाग गांव, वो भी बिना पैसे के। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉगिंग को, कि ये चैलेंज मेरे लिए कितनी बड़ी हो सकती है। चाचा कठारा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चल भाई मिल गया चल। थैंक यू भैया के गाड़ी पे, मतलब अंकल की गाड़ी पे ना तेल नहीं था, लेकिन फिर भी अंकल हमको यहाँ तक पहुँचा दिए, इसके लिए थैंक यू अंकल को। आप नेक्स्ट चैलेंज यहाँ से गोमिया तक, तो चलिए देखते हैं क्या सफर रहती है। मेरी चाची दे दिए मुझे ये, तो लग रहा ना फेंक दे, लेकिन फेंक नहीं सकते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, वरना फिर मम्मी हमको सुनाएगी। चलिए चलते हैं, दूसरा टारगेट देखते हैं, इंसान को पकड़ते हैं वो मुझे, ताकि गोमिया तक ले जाए। गोमिया कहाँ जा रहे? चलिए मिल गया, आप ही का इंतजार कर रहे थे। यहीं पे भैया उतर गए, थोड़ा जाने पहचाने थे मेरे। ये भैया हमको जानते थे इसलिए यहाँ तक ले आए, बस अगला आगे का सफर क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, चलिए देखते हैं। तो दो इंसान से लिफ्ट लेने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, और उसके बाद देखते हैं चलते क्या होता है, चलिए देखते हैं। A few moments later. अब यहाँ से चैलेंज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो यहाँ से बहुत कम ही लगता है कि मिलेगा, बट ट्राई जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं यहीं पे प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं और मिलती है कि नहीं मिलती है। अच्छा ठीक, थैंक यू। वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने। अंकल आपका नाम क्या हुआ? क्या प्रीतम? SHI शीतल पुल। अच्छा शीतल पुल, कहाँ के हुए? अच्छा यही। आधा आधा करके ही पहुंच रहे हैं, बट पहुंचना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पहुंचना है। अब देखते हैं अगला इंसान, मतलब अगला हेल्पर जो हेल्प करने वाला वो कौन है। A few moments later. मिल ले रहा है, बट यहाँ से चलो। थैंक यू। A few moments later. ये भैया हमको रोक दिए, अब प्लस में एक लिफ्ट भी दे दिया, आगे बस स्टैंड तक। इस गेम में आ रहा है मजा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम पीर्स मॉडर्न के पास है, अब यहाँ से चलते थोड़ी और आगे, देखते हैं कौन से व्यक्ति हमारे हेल्प करते हैं, लेकिन मजा आ रहा है बहुत, हंसी भी आ रहा है।
हो सकता है सिचुएशन बैड भी हो जाए, हमको नहीं पता, बट देख क्या होती है। लड़की चलिए जहाँ तक जाइएगा हम वहीं तक चल, उसके बाद वहाँ से चलिए। हाँ जहाँ से क्या बोले आप आइएगा, क्या बोले करमा टाण सकते हैं, इधर आ जाइए। हो जा जरा मत यो, ये छोड़ दिया हमको यहीं तक। अब आगे का सफर देखते हैं कौन से आते हैं। हमको भैया पहुंचा दिए कर्मटार, यहाँ से मतलब जाना है नरकी। अब नरकी जाना है तो भैया फिर से वही प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में हमको बहुत मजा आ रहा है। बोरिंग भी, देखते हैं कौन से अंकल या भैया या दीदी कौन मिलते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे थोड़ा पानी वगैरह पी लेता। मैं सोचा था कि ऐसा शायद मैं कर पाऊँगा, फर्स्ट टाइम है और चैलेंजिंग वीडियो। मैंने अपने दिमाग में रात में थोड़ा सोचा कि अब इस तरह का वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग, भीड़ इलाकों पे डर हटा के थोड़ा वीडियो बनाना अच्छा रहता, मतलब मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी। थोड़ा मैं वीडियो अच्छा से नहीं दे पा रहा था उसको लिए सॉरी, बट अब से वीडियो पूरा बिंदास और पूरा इंटरटेनमेंट वीडियो आए। तो अभी हम यहाँ पे पेट्रोल पंप के बगल पे रुके हुए, देखते हैं भाई ओ वहाँ पे क्या हो गया एक्सीडेंट। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, अब हम देखते हैं पाएंगे कि नहीं। बट एक भैया वहाँ गिर गए देख रोड, अब वहाँ पुलिस गाड़ी भी निकल रही है वहाँ। हम अपना काम करते हैं, पुलिस वालों को अपना काम करने दीजिए। बात तो सही है। जस्ट एक वही प्रोग्राम करेंगे और बिना पैसों के घूमेंगे, बिना पैसों के, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, और सिर्फ पैसा कमाएंगे। सच्ची में अब नहीं रुकने वाले YouTube से, YouTube में वीडियो बनाएंगे, अब हर दिन वीडियो आए। पब्लिक प्लेस भाड़ में जाए रिस्पेक्ट और भाड़ में जाए इज्जत, पहले इज्जत का धज्जा उड़ाने दो फिर इज्जत बनाएंगे। वैसे थोड़ा पूछते हैं दीदी साहब से कि नरकी यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से नरकी कितना दूर है, 5-10 किलोमीटर। थैंक यू बोले तो वेलकम बोलती है, बट गाड़ी उनकी रुकी इसलिए नहीं रुकी क्योंकि स्कूल से आ रही, तो वो भी थकी हुई है, हम भी थके हुए हैं, कोई बात नहीं, बता दी वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। A few moments later. नरकी, नरकी जाना। क्या बोले आयो? नहीं, विष्णुगढ़। हम यहाँ जरंगड़ी पे रहते हैं। आप कैसे जा पा रहे? One eternity later. मेन जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विष्णुगढ़ 23 किलोमीटर। अब मात्र यहाँ से 23 किलोमीटर मेरी डेस्टिनेशन मतलब बचा हुआ है। देखते हैं वहाँ पे कितना लेट में हम पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद तबाही करते हैं। अभी बजा आएगा ना भिड़ो। और जो मुझे यहाँ पर लाए अभी नरकी तक, वो एक टीचर थे गोमिया के, वीरेंद्र सर थे, तो हम तो नहीं पहचानते। क्या बोला तूने? मेरे अगला इंसान जो डेस्टिनेशन तक पहुँचाने वाले कौन है? दरवाजा खुल गया भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? हमको जाना है, आप पहुँचा देंगे? विष्णुगढ़ जाना है, लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। देखते हैं मंजिल वही है से। बस वही, आपको क्या लगता नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। अच्छा आज मार्केट का दिन है। ओ, आप इस तरह बात कर दिए मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस। भैया भी बोल रहे हैं आज मार्केट का दिन है यहाँ पे, तो गाड़ी चलते रहे और हमें लिफ्ट मिलने के चांसेस थोड़ी ज्यादा। देखते हैं कितना मिनट मिलता है। हमको नहीं देगी ये जामुन है कि क्या है सच्ची में? चलो थैंक यू। अरे छोटू ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार मेनू मेरे, ये
छोटी सी प्यारी बहन जो कि मुझे दी। अच्छा चलो खाते देखते, जामुन का पेड़ यहीं पे है। 2000 years later. क्या अब हमको लेके जा रहे हैं? चलो राजा इसे कहे देखो तरहो। दुनिया में भी अभी अच्छे इंसान है, चाहे कि हम एक भैया जो ड्राइवर है उनका जीमेल थोड़ा बना दिए थे, मतलब न्यू फोन खरीदे हैं तो उनका थोड़ा मैं जीमेल बना दिया हूँ, तो उसके बदले उस छोटा चीज़ के बदले वो मुझे अपने टेम्पू में स्पेशली आपको उतना दूर तक विष्णुगढ़ छोड़ने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तो वो भी फ्री में, वो विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा हेल्प मेरे साथ हो रहा है। बोलते हैं ना कि कहीं भी अच्छा चीज़ करो तो उसका बदला मिलता है, बट हमको इतना फास्ट मिल गया कि आपको पता नहीं था। बट इनका कुर्बानी जो इतना दूर से हमको विष्णुगढ़ तक देखिए कोई पैसेंजर नहीं, स्पेशली सिर्फ मेरे को वहाँ तक छोड़ने के लिए जा रहे हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट मतलब कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि स्पेशली मेरे साथ इतना मतलब वहाँ तक छोड़ने के लिए जाने लगे, जैसे उनके लिए बहुत थैंक यू, मतलब बहुत बहुत थैंक यू इनको। वैसे नाम क्या हुआ आपका? अच्छा महेंद्र, हाँ बोल गया था। अच्छा महेंद्र कुमार और रहने वाले हैं चटरो चट्टी, कहाँ पे? हाँ चतरो पे, वो फोना डैम है जो हम लोग का उनके ही अगल बगल से है, मेरे गांव के मतलब अगल बगल में ही। तो देखते हैं और थोड़ा कुछ ऐसा बेकार जो इतना दूर से हमको छोड़ के जा रहे हैं तो बेकार को नहीं जाने देंगे। थोड़ा मैं फीडबैक ले लेता हूँ कि क्यों मेरे को ही स्पेशली क्यों। यहाँ पे सवारी आ चुके हैं तो बेकार ले रहे हैं यहाँ पे। कुछ नहीं बोली कहा है, हम ही कहा है अकेले, और भी तो ले सकते थे आप, ले सकते थे, लेकिन आप जो बोलते हैं मतलब व्हाट्सएप बोलते हैं तो हम नहीं जानते थे, आप मदद कर दिए हैं। अच्छा इससे बदला मतलब हम आपको मदद करना चाहते तो हम मदद कर दिए हैं, मतलब पैसे का हम पहुँचा दे रहे हैं, मतलब पहुँचा दें मतलब आप उधर से मतलब कुछ हेल्प करके आप चल जाएगा। हाँ ज़रूर ज़रूर, मतलब कि इनका कहना है कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप वगैरह और जीमेल वगैरह खोल दिए जिसके कारण मैं भी मेरा भी थोड़ा हक बनता है कि मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूँ, मतलब इनका सिंपल सा कहना है कि अगर हम किसी का हेल्प करें तो मेरा भी कोई ना कोई हेल्प करेगा, तो ये सोच अच्छा है इनका। हम चाहें कि ये और भी आगे बढ़े, चाहे कि मुझे इस तरह का अकेला यहाँ इस प्रकार ले के अकेला वहाँ से निकलते हुए तो मुझे भी अच्छा लगा। वैसे भैया अच्छा है और अगर मिलेंगे आप लोग भी तो ज़रूर कुछ इनका हेल्प कर दीजिएगा, फिलहाल मैं भी चाहता हूँ कि हेल्प कर दूँ और ज़रूर करूँगा, तो थोड़ा मिलते हैं देर पे। A few moments later. क्या ला देंगे बताइए? पकौड़ी? पैसा नहीं, यहीं रही हम ला दे। एक है दादी माँ जिनको थोड़ा खाना खाना है, पैसा मांग रही थी बट मैं बोला कि पैसा खाना खिला देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ लेते हैं। भैया क्या क्या है? पकौड़ी वगैरह कुछ है? लेकिन गरम ना तो बाबू। अच्छा दीजिए ना, खराब वगैरह नहीं ना? खराब नहीं बाबू, खराब कहे देंगे? नहीं पूछना बनता है इसलिए पूछ। ठीक है लेकिन खराब हम कहे देंगे? हाँ अच्छा दे दीजिए, तो 10 रुपये का दे दीजिए तो लीजिए। अच्छा ठीक है, आराम से रहिए। चलिए अब अपना डेस्टिनेशन देखते हैं विष्णुगढ़ तक कहाँ पहुँचते हैं। हमको छोड़ दिए भैया, अब जा रहे फिर मंजिल तक जहाँ पे है बाबा। चलिए आप अपना मंजिल देखते हैं, इमोशनल थोड़ी बाद में आप विष्णुगढ़ पहुँचते हैं वहाँ पे।
यहाँ से मिलने में तो मुश्किल होने लगी कोनार डैम के पास, बट कंटिन्यू रखेंगे भैया, जब तक ना मिले तब तक रास्ता ना छोड़ेंगे। चलो 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 बम, देख रहे कब तक आएगा, लगता है ये अंकल जाएंगे, पूछते हैं अंकल से कहाँ जाएंगे, हम भी चलें। ये थैंक यू, चलिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आप कहाँ के हुए अंकल? नहीं नहीं, आपका गांव कहाँ पे है? बेंखारो। अच्छा, यहाँ पे आए हैं किस मकसद से? अच्छा, वहाँ से। अरे बाप रे, क्यों? अच्छा ड्यूटी है। अच्छा चलिए बढ़िया है। ये अंकल का ड्यूटी है हर दिन यहाँ पे, दिल्ली आना जाना है, 500 तेल लेंगे पिकअप को। अच्छा, उसके बाद आगे कहाँ तक जाइएगा? आगे उधर जाएंगे। अच्छा, अंकल यहाँ पे तेल भरवाएंगे और हम सोचे हर दिन का 550 रुपया भर देते सही है सही है, सप्ताह में एक बार तेल भरवाते अंकल 500 का, 550 का, और एक सप्ताह घूमते और हर दिन यहाँ से अपने गांव चलते हैं। तो देख रहे यहाँ पे तेल भरवा रहे, चलिए अच्छा अब भले पे टेंशन खत्म हो जाता ना। चल हाँ हाँ सर, जरूरी है थोड़ा एक्स्ट्रा डालना भी जरूरी है क्योंकि कहीं भी ख़त्म हो सकती है तेल वगैरह। वैसे अंकल हमको यहाँ तक 500 तक पहुँचा दिए हैं और एक थोड़ा दूर आगे चलेंगे, उसके बाद वहाँ से मेरी डेस्टिनेशन फिर चेंज होगी। तो सर थैंक यू अंकल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये थैंक यू अंकल। हाँ अंकल मस्त है, एकदम बिंदास हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हमको छोड़ दिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन ढूंढते हैं कौन है। बहुत जोर से भूख लग गया यार, पेट दर्द करने लगा, बट डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं जाते तब तक खाएंगे क्योंकि सबसे पहला खाना अभी हमको वहाँ तक पहुँचना, देखते हैं मिलती है कि, बट अभी रास्ते पे तो लगे हुए हैं। One eternity later. कहाँ चल गया? चल। हाँ। जो डेस्टिनेशन था वो हम पहुँच चुके हैं विष्णुगढ़, अब यहाँ से गांव चलते हैं। और जो इस पर जो हम लोग मतलब कि बाइक जो मैं चढ़ा हूँ वो मेरे गांव के भैया है, और मेरा माथा बहुत दर्द कर रहा है जिसके कारण मैं शायद बोलने में थोड़ा कमज़ोर हो सकता हूँ, लेकिन लास्ट तक डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं भैया के साथ गांव, और किन्हीं को बुलाए बुलाए नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे ये है गाड़ी। अब चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय बाय। तो किसी लड़की स्माइल हैप्पी है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा गुपचुप वगैरह खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत जोर से लगा है। इस जगह पे वहाँ पे मंदिर है, देख सकते आप लोग, जो कि काली माँ का है शायद। गुपचुप खाते हैं और लास्ट डेस्टिनेशन तक तो पहुँच ही गए हैं, घर पूरा एंडिंग पे, जब पहुंचेंगे तब फिर कैमरा ऑन करते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आज का जो चैलेंज था वो खत्म हो चुका है। यहाँ फाइनली गाइस पहुंच गए अपने मेन डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पहुंचना था, और आज का चैलेंज बहुत ही
मुझे इंजॉय लगा, मतलब कि बुरा भी नहीं लगा और बहुत हमको अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में चैलेंज कंप्लीट हो चुका। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार जरूर दे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।